मैं पुलिस्ते साहब के लिए केस खास तौर से चाहूंगा कि पुलिस्ते साहब दो मिनट मेरी बात जरूर सुने प्लीज, क्योंकि देखिए ये देश में तीन प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म पार्लियामेंट है, दूसरा प्लेटफॉर्म पब्लिक है और तीसरा प्लेटफॉर्म सुप्रीम कोर्ट है। और पुलिस्ते साहब कल कोर्ट में दो लोगों ने बहस करी सिर्फ, एक अटॉर्नी जनरल और एक मनोज वर्केला। और साथियों अगर मैं कल बहस नहीं करता तो वो जस्टिस गोयल साहब और जस्टिस यूएस ललित साहब ने सारी पिटीशनें डिसमिस कर दी थी। और साथियों मैं वहां पर बोला, मैंने बोला क्या दो अथॉरिटी दो लोग एसटीएससी के मैटर को एक्सप्लेन करेंगे तो आप पूरा देश के 40 करोड़ लोगों का तकदीर लिख देंगे आप? ये मैंने कोर्ट को बोला कल। और कल मैंने कोर्ट को यह भी बोला, कल मैंने कोर्ट को यह भी समझाया कि इस देश में जो आप एंटीसिपेटरी बेल की बात कर रहे हैं, आपके पास कुछ स्टेट ऐसे भी है, आप उत्तराखंड में एंटीसिपेटरी बेल ही नहीं है, यूपी में एंटीसिपेटरी बेल ही नहीं है, उन स्टेटों का क्या होगा? और जहां तक बात है एंटीसिपेटरी बेल की, मैंने कहा कई केसेस ऐसे हैं, टाटा पोटा टेररिस्ट, कई मॉल में कोई टेररिस्ट आ गया गोली मार देते उसको, अब उस समय क्या? और दूसरी बात, हमारी आईपीसी कहती है, इंडियन पैनल सीआरपीसी कहती है कि आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कौन सीआरपीसी कभी नहीं कह सकती कि आप किसी चीज को एग्जामिन करेंगे, कहां पर लिखा? और मैं आपको बोलते साहब ये बताना चाहता हूं, ये दो जज वो जज हैं जिन्होंने महिलाओं पर ये बोला कि पुरुष महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, इन्होंने ये दो वो जज हैं जिन्होंने जजमेंट दिया था, बाद में रिट पिटीशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने उस मैटर को इश्यू नोटिस किया और स्टे किया है, ये वही जजमेंट है। इसीलिए मैंने, और इस केस में साथियों, इस केस में, इस भारत की धरती में अगर पहली रिट पिटीशन फाइल करी है तो मनोज गोरखेला ने फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट में। और साथियों एक बात और बताना चाहता हूं, आप मिनिस्टर हैं, आप मंत्री जी हैं, मैं तो खास तौर से वैरवा साहब को, मेरे पास बहुत टाइम बहुत काम है, बस 20 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का लॉयर हूं मैं सुप्रीम कोर्ट में। और साथियों 1950 से लेकर आज तक सुप्रीम कोर्ट में कोई डिप्टी एडवोकेट जनरल नहीं बना, पहली बार भारत के इतिहास में कोई सुप्रीम कोर्ट में बना है तो मनोज गोरखेला डिप्टी एडवोकेट जनरल बना है, भारत के इतिहास की बात करता हूं। और साथियों कल का दिन मुझे ऐसा लगा, हमें लगता है हमें रिलीफ मिली कल, मैं पुलिस ने साहब आपको बताना चाहूं कोई रिलीफ नहीं दी कोर्ट ने कल, कोर्ट ने यह कहा कि अटॉर्नी जनरल बहुत रिक्वेस्ट करते गए, समझाते गए कोर्ट को, उन्होंने कहा नो स्टे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने बोला माय लॉर्ड एटलीस्ट वो तो दे दीजिए आप, कैप्टन एबियंस तो बोल दीजिए, उनका नो कैप्टन एबियंस, आपको प्रॉब्लम है 10 दिन बाद हम आपको सुनेंगे। और दूसरी बात, हमारे यूनियन में केंद्रीय मंत्री पासवान साहब की ऑर्गेनाइजेशन ने, पार्टी ने पिया जो रिट पिटीशन, वो जो रिव्यू पिटीशन डाली, उसका क्या हुआ मैं आपको बताऊं, वो पिटीशन ऑलरेडी डिसमिस कर दी थी, वो ऑर्डर लिखवा दिया था कोर्ट ने, वो तो मैं बहस नहीं करता तो वो सारी पिटीशन डिसमिस हो जाती। अब देखिए जब तक आप कोर्ट में, और सबसे बड़ी बात यह, मैं मीडिया को बोल रहा हूं, यहां गौतम साहब ये लोग हैं, मैं आपको वैरवा साहब को बोल रहा हूं, हमारी ये मीटिंग करने का उद्देश्य है कि हम कोर्ट में, और मैं आपको बताता हूं आज तक भारत के इतिहास में कोई जजमेंट एसटीएससी के फेवर में नहीं आया, क्योंकि किसी वकील ने कोर्ट को समझाया ही नहीं, कोर्ट में बहस ही नहीं करी सही से। और मैंने कल कोर्ट में देखा, मैंने ये भी बोला कोर्ट को, मैंने कहा माय लॉर्ड आप, मुझे ये लगता है कि ये दो जजेज हैं इनको एट्रोसिटी की डेफिनेशन ही पता नहीं है। और मैंने बोला मैंने यूपी मध्य प्रदेश के आईपीएस ऑफिसरों को एट्रोसिटी पढ़ाई है, मैंने मध्य प्रदेश के एट्रोसिटी, और मैंने 15 साल में, हाँ धीरे बोल रहे हैं धीरे, ये आग जो होती है ना, ये आग होती है ऐसी होती है, कोर्ट में भी ऐसी बोला था, कोर्ट में भी आपको मेरी आवाज से प्रॉब्लम हो रही है, आपको मेरी आवाज से प्रॉब्लम हो रही है, साथियों सर जेठिया साहब हो चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, आपको लॉयर की, मैं इस मीटिंग में कोई बोल रहा है रिट पिटीशन फाइल करी, कोई बोल रहा है एसएलपी फाइल करी, कोई बोल रहा है रिवीजन फाइल करी, अरे एक लॉयर को मेरा 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 ड्रीम ये है जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे उनको एक लॉयर समझाए कि एक्चुअल केस है क्या, प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, इसकी रेमेडी क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है,
और मैं तो ये चाहता हूं, मैंने तो ये सोचा है, क्योंकि ये दो जजेज वो हैं प्रमोशन की रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं आप, एमपी में स्टेटस को लगा हुआ है, स्टे है, एक भी डिमोट नहीं हुआ, मेरे स्टेट ऑफ उत्तराखंड में एक भी डिमोट नहीं हुआ, इस भारत में एक भी डिमोट नहीं हुआ, एक कर्नाटक का, ये दो जजेज वो है जिन्होंने पवित्रा का जजमेंट दिया और कंटेम्प्ट पिटीशन डाली, आज 10,000 लोगों को डिमोशन कर रही है, यही वो कोर्ट है। ये क्या आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है? और मैं ये कहना चाहता हूं कि जब जो है ये सुप्रीम कोर्ट, कल सुप्रीम कोर्ट ने जो यूनियन मिनिस्टर जो अठावले साहब की पिटीशन थी वो भी डिलीट कर दी, ऑर्डर पढ़िए आप, कल शाम को ऑर्डर पढ़िए, कल की बात है। और ये जो 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 यूनियन मिनिस्टर साहब जो पासवान साहब थे उनकी पिटीशन डिलीट कर दी और उनको बोला एज पर द रूल लगेगी, वो एज पर रूल क्या करता, चैंबर में लगी। और सिर्फ जो है यूनियन मिनिस्टर और हम सारे वकील, जितने वकील मेरे सामने देश में आह्वान करता हूं, हम चीफ जस्टिस के वहां मेंशनिंग करेंगे कि ये मैटर इन दो जजों के वहां ना सुना जाए, किसी और जज के वहां सुना जाए। और मैं बोलूंगा मैं साथियों, कल मुझ पर कंटेम्प्ट भी लगने वाला था, क्योंकि अकेला वकील था सुप्रीम कोर्ट में आर्गूमेंट करने वाला, इस देश का कोई वकील ने बहस नहीं करी, मैंने और अटॉर्नी जनरल ने बहस करी सिर्फ। और कल कंटेम्प्ट क्यों लगनी थी, क्योंकि जस्टिस गोयल साहब कोर्ट में खड़े हो गए थे, उन्होंने कहा मैं कोर्ट नहीं लूंगा, मैं वापस जा रहा हूं, तो मैंने बोला आप चले जाइए वापस, बोल चुके हैं जी जी, कोई बात नहीं है, ठीक है मैं जा रहा हूं। और मैंने, हमारे अशोक कुमार जी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, ये जोश था मेरे अंदर, अभी तक सारे लोग बोल रहे थे इसीलिए मैंने आपको बताना चाहा। साथियों, कोर्ट की लड़ाई कोर्ट से लड़नी पड़ेगी, और जब ये एक्ट आया तो मैं ही वो था जो रात के 11 बजे तक लॉ मिनिस्टर के घर में समझा रहा था पूरा एक्ट समझा रहा था, पूरी पिटीशन दिखा रहा था, लॉ मिनिस्टर जो रविशंकर प्रसाद जी हैं 9-10 बजे रात तक उनके घर पे था, और मैं ही वो शख्स हूँ जो गहलोत जी के घर पे ऑफिस में शास्त्री भवन में रात के 9-10 बजे, मेरे वकील मेरे साथ के 10-12 जो मेरे जूनियर थे वो लोगों का कंट्रीब्यूशन है। और इस देश में साथियों, मैंने ये सोचा है, कल मैंने बड़ा अपने आप को ये सोचा कि जो मैंने निवेदन किया है हमारे अशोक कुमार जी से कि हम इसमें एक रिव्यू पिटीशन फाइल करें, रिव्यू पिटीशन वो सुनेगा नहीं क्योंकि वो कोर्ट में लगेगी, मैं निवेदन करता हूँ रिट पिटीशन आर्टिकल 32 में फाइल करें। और आज हमारी एक आर्टिकल, अभी एक घंटे पहले 4 बजे हमारा एक रिट पिटीशन में फिर नंबर मिल गया हमको, और कोर्ट में लगे चीफ जस्टिस ये मैटर सुने, और इस देश का हरीश साल्वे, मुकुल रोहतगी, के और टॉप लॉयर इसमें हम खड़ा करें।